नगाड़ो, शकनाद और पुष्पा वर्षा के बीच कालका के जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ भव्य आगाज। मूसलधार बारिश भी नहीं रोक पाई मुख्यमंत्री के प्रति जनता का उत्साह। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज कालका सब्जी मंडी से जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य आगाज हुआ। इस यात्रा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल नगाड़ों, शंखनाद और हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा करके इस यात्रा को गर्मजोशी स्वागत किया। कालका से 18 अगस्त को आरंभ हुई यह प्रदेश में सभी 19 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 8 सितंबर को रोहतक में इस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा के आरंभ होने से पूर्व कालका में श्री काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के साथ स्थित पहली पचशही गुरुद्वारा में नतमस्तक हुए। मंदिर प्रबंधक की ओर से उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया गया, जबकि गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सिरोपा और कृपाण भेंट करके अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता की कामना की। मनोहर लाल जी की पहचान, इस हीरे की पहचान सबसे पहले यदि किसी ने की थी तो आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे हीरे की पहचान की और हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। 5 वर्षों तक लगातार इनके मुख्यमंत्री रहने के बाद, इनके कामकाज को देखने और परखने के बाद, आप तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि सचमुच मोदी जी ने जिस हीरे की पहचान हरियाणा राज्य के लिए की, वह हीरा मनोहर लाल खट्टर आज हर कसौटी पर पूरी तरह से 5 वर्षों के अंदर खरा साबित हुआ है। बहनों भाइयों, इस नतीजे पर आप पहुंचे होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हरियाणा राज्य में इसके पहले जिन लोगों के हाथों में प्रायः नेतृत्व रहा है, मैं 15-20 वर्षों की बात तो कर सकता हूं, जिनके हाथों में भी नेतृत्व रहा है, बराबर उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं रहती थी, भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा होती थी, लेकिन मैं नहीं, पूरा भारत यह कह रहा है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, एकदम ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य को मिला है जिसने अपनी जिंदगी ही हरियाणा जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और पूरे फकीरी भाव से, फकीर को देखा होगा, फकीर की जिंदगी को आपने देखा होगा, परखा होगा। बहनों भाइयों, फकीर अपने लिए कुछ नहीं करता है, करता है तो देश के लिए करता है, तो आप परमात्मा के लिए ही अपनी सारी जिंदगी खपा देता है। उसी फकीरी भाव से आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इस हरियाणा की सरकार को चलाया।